जिन्नात की तादाद कितनी है? एक जहन में कभी कभी सवाल आता है कि ये कितने होंगे। इंसानों की तादाद तो कैलकुलेट होती है, वो भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, लेकिन यह है कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंसान इतने हैं पूरी दुनिया में। तो एक जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को पैदा किया, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नातों को भी पैदा किया है। इंसानों की तादाद होती है, उनमें ग्रोथ होता रहता है, उसी तरीके से अजिन्ना की भी तादाद है और उसमें भी बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन इनकी तादाद कितनी है? हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें सूरज की रोशनी दिखाई ना दें। इसी तरीके से लख्तुल मरजान फ़ी अहकामिल जान में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया है जिन्नात की तादाद के लिहाज से। और इसी तरीके से हज़रत सैयदना अमर बिकाली रहमतुल्लाही ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि एक सेकेंड के अंदर अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं इंसानों के, तो उसी के मुकाबले में 9 गुना बच्चे जिन्नातों के पैदा होते हैं। यानी एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ उसके मुकाबले में जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि हम इंसानों की जितनी तादाद है उससे 9 गुना ज़्यादा तादाद जिन्नातों की है। और हम इंसानों की उम्रें बहुत कम होती है, अजिन्ना की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अब जिन्नातों में मोमिन अजिन्ना भी है और उसी के अलावा काफिर शयातीन अजिन्ना भी है। अब आप सोचें कि इनकी तादाद कितनी है और हम लोग गाफिल रहते हैं। खैर, इस हवाले से और हम बात करेंगे और एक सिलसिला हमने बहुत पहले जिन्नातों की मालूमात के हवाले से शुरू किया था। कुछ अहबाब की फरमाइश फिर हुई है तो कुछ मालूमात इंशाल्लाह ताला दिलचस्प लेकर के